गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय मां गंगे, जय मां यमुने, जय मां सरस्वती। नमस्कार, आज की संगीतमय प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। वंदनीय है कुंभ पर्व की ये महान परंपरा जो युगों युगों से भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती आई है और भारत की आध्यात्मिक चेतना को संजोती आई है। ये चेतना सजग करती आई है कि जीवन का हर पल महाकुंभ है। ये प्राण ऊर्जा का जागरण मंत्र है, जीवन का उत्सव है। प्रतिकूलता और अनुकूलता से रची जीवन यात्रा में अमृत का संधान है। यही विषय वस्तु है इस संगीतमय प्रस्तुति की। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं श्री अशोक हमराही, जो साहित्य, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। परिकल्पना और निर्देशन राजुल अशोक का है। नृत्य नाटिका के सुर संयोजक हैं सुविख्यात संगीतज्ञ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जाने माने फिल्म संगीत निर्देशक श्री आमोद भट्ट। गायक कलाकार हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री रवींद्र साठे, सुश्री धारणा पाहवा, सुश्री ऐशा खास्तगीर, श्री अनुराग दीक्षित और श्री अजय जयराम। तो प्रस्तुत है नृत्य नाटिका कुंभम कुंभ समाहित। जगत कुंभ में प्राण कुंभ ये, जगत कुंभ में प्राण कुंभ ये। जब जब छल के आनंद से, जगत कुंभ में प्राण कुंभ ये। जब जब छल के आनंद से, परम तत्व की पावन सुरसरी, परम तत्व की पावन सुरसरी। जब जब उतरे जीवन में, जब जब उतरे जीवन में। कुंभम कुंभ समाहित, 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 कुंभम कुंभ समाहित। जब मोहे ठगनी माया, जब शिथिल हो चले काया, जब मोहे ठगनी माया, जब शिथिल हो चले काया। मन रहता भरमाया, मन रहता भरमाया। तब कुंभम कुंभ समाहित, 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 कुंभम कुंभ समाहित। सूर्यास्त होने को है। आचार्य शिरोमणि के आश्रम में संध्या पूजन के अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। मां शारदा कृपा करें। वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। कल प्रातः पूजा अर्चना के पश्चात तुम्हें प्रस्थान करना होगा। अमृत, कहीं कुछ छूट गया है गुरुदेव? कुछ है जो अधूरा है, कोई बाधा जो मेरे मंत्रोच्चार को फलीभूत नहीं होने देती। मुरझाई शाखाएं तो दूर, दुखी चेहरों पर एक मुस्कान तक नहीं खिला पाते मेरे मंत्र। मुझसे कहाँ त्रुटि हुई, नहीं जानता। फिर वही समस्या, फिर वही प्रश्न। मंत्र हैं किंतु उनमें प्राण नहीं, शक्ति है किंतु उसकी चेतना खो गई। ये उलझन आज की नहीं, युगों पुरानी है। इसी चिंतन से तो जन्मी है मंथन की कथा। मंथन? हाँ, मंथन। देवासुर संग्राम से व्यथित हुए तिहु लोग, देवासुर संग्राम से व्यथित हुए तिहु लोग। सुप्त पड़ी थी चेतना, घिरा हुआ था शोक। सुस्त पड़ी थी चेतना, घिरा हुआ था शोक। असत सबल था, पाप प्रबल था। असत सबल था, पाप प्रबल था। निगल रहा था अंधकार, निगल रहा था अंधकार। असत सबल था, पाप प्रबल था, निगल रहा था अंधकार। आतंकित थी सकल सृष्टि, मचा हुआ था हाहाकार। आतंकित थी सकल सृष्टि और मचा हुआ था हाहाकार। असुरों से परास्त देवों ने शरण गही प्रभु विष्णु की। असुरों से परास्त देवों ने शरण गही प्रभु विष्णु की। किस विधि रक्षा करें असुर बल से, हे प्रभु अब सृष्टि की। किस विधि रक्षा करें असुर बल से, हे प्रभु अब सृष्टि की। कहा प्रभु ने हर समस्या के लिए चिंतन करो, दानवों के साथ तुम सब देव मिल मंथन करो, मंथन करो, मंथन करो। सुर अचंभित हुए प्रभु की बात सुनकर, सुर अचंभित हुए प्रभु की बात सुनकर। दानव कब चले हैं साथ मिलकर, देव दानव कब चले हैं साथ मिलकर। देवों का संशय समझ प्रभु मुस्काए और बोले, जहां सुख है दुख वहीं है, पुण्य है तो पाप है। रात दिन होते उदय और अस्त, गहन तम के गर्भ में रहता प्रकाश। आदि है तो अंत भी है, देखने में इन सभी का है अलग अस्तित्व, लेकिन साथ रहते, साथ पलते, साथ चलते, तभी तो ये सृष्टि को है पूर्ण करते। दो विरोधी शक्तियां मिलकर ही परम ऊर्जा का निर्माण करती हैं। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने का यही मार्ग है। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा देव दानव मिलकर करेंगे क्षीर सागर का मंथन। देव दानव मिलकर करेंगे क्षीर सागर का मंथन। तभी मिलेगा अमृत कुंभ, तभी मिलेगा अमृत कुंभ और सृष्टि का कल्याण होगा, और सृष्टि का कल्याण होगा। दैत्यों की काली शक्ति प्रबल, एक ओर थी दैत्यों की काली शक्ति प्रबल, और दूसरी ओर थी देव शक्ति उज्जवल, और दूसरी ओर थी देव शक्ति उज्जवल। देव दानवों ने किया तब समुद्र मंथन, देव दानवों समुद्र मंथन। विष से लेकर अमृत तक मिले रतन धन, विष से लेकर अमृत तक मिले रतन धन, मिले रतन धन, मिले रतन धन। युगों से यही होता आया है, मंथन के बाद ही अमृत मिल पाया है। जब मंथन से मन का विष निकलता है, प्राण ऊर्जा का अमृत तभी मिलता है। तो क्या इस मंथन के लिए मुझे तप करना होगा गुरुदेव? नहीं वत्स, इसके लिए स्वयं को जानना होगा, आत्ममंथन करना होगा। होठों पर मुस्कान खिलानी है तो जीवन को उत्सव की तरह जीना होगा। कष्टों के बीच जब मन कमल सा खिलेगा, तब सबको सुख देने वाला प्राण ऊर्जा का अमृत मिलेगा, और ये अमृत तुम्हें स्वयं खोजना होगा। व्याकुल मन है भटकता, नहीं मिला निष्कर्ष। व्याकुल मन है भटकता, नहीं मिला निष्कर्ष। प्राण ऊर्जा का कैसे हो, प्राण ऊर्जा का कैसे हो जीवन जीवन में उत्कर्ष गहन निशा को उषा ने जागरण का संदेश दिया और मिला धरती को एक नया सवेरा। लेकिन अमृत के मन से प्रश्नों का अंधेरा नहीं छटा। वो स्थान स्थान भटकता रहा और खोजता रहा वो उपाय जिससे जीवन में प्राण ऊर्जा लौट आए। हर तरफ लोग बेचैन थे, रहते थे गुमसुम। चारों ओर छाया था दुखों का गहरा अंधकार। और फिर वो पहुंचा एक गांव, जहां उसने देखा गंगा। अरे ओ गंगा, तनिक जोर से गा, हम भी तो सुने। खुशियों के घट भर भर आया जीवन में अमृत। छल 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 के खुशियों के घट भर भर आया जीवन में अमृत। खिले फूल संग संग हवा बहे मंद मंद। खिले फूल संग संग हवा बहे मंद मंद। आस जगी भर उमंग, आस जगी भर उमंग। छल 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 के खुशियों के घट भर भर आया जीवन में अमृत। छल 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 के खुशियों के घट भर भर आया जीवन में अमृत। शब्द शब्द गंध मिठा कल्याण हो बालिके, आश्चर्य है जिस मार्ग से आया हूं वहां लोग कष्टों से हाल बेहाल हैं, लेकिन यहां तो हर तरफ खुशियों का वास है। तुम्हारे स्वरों में उमंग है, चेहरे पर प्रसन्नता के रंग हैं। कभी यहां भी दुख था, बदहाली थी, भूख, बीमारी और लाचारी थी, पर हमने जीवन जीना सीखा है। अब हमारे उत्साह के सामने हर कष्ट का रंग फीका है। हालात बदलने का भेद हमने जाना है, आत्मा की शक्ति को हमने पहचाना है। जीवन में हर पल को उत्सव बनाना है, विष को बाहर करके अमृत को पाना है। ये बात हमें गुरुदेव ने बताई थी। समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी। गुरुदेव ने कहा था, सोचो, कहाँ तो देव और कहाँ दानव, कहाँ उजाला और कहाँ अंधकार, कहाँ निर्माण के झिलमिलाते सपने और कहाँ विनाश का नाच। पर दोनों एक साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही वो पहली और अंतिम बार था जब देव और दानवों ने अपनी अपनी शक्तियों के साथ मिलकर कुछ किया था। एक साथ क्षीर सागर को मथा था, तब संसार को अमृत मिला था। फिर वही मंथन की कथा। हाँ, वही मंथन की कथा जिसने दूर की हमारी व्यथा। मंथन की कथा सुनाकर गुरुदेव ने कहा था, प्रयत्नों की मथानी से अपने दुखों का मंथन करो, तभी जीवन से बाहर निकलेगा निराशा का हलाहल और प्राप्त होगा आनंद का अमृत कलश। आहा, जान गया आचार्य, प्राण ऊर्जा का जागरण मार्ग। अब ये मार्ग सबको दिखाऊंगा, समुद्र मंथन की कथा जग को सुनाऊंगा। जगत कुंभ में सृष्टि कुंभ समाहित, जीव कुंभ में जगत कुंभ में सृष्टि कुंभ समाहित, कण कण में जड़ चेतन में, कण कण में जड़ चेतन में कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित। ये महातीर्थ है, जीवन का तीर्थ है, ये महाकुंभ है, जीवन का कुंभ है। ये महातीर्थ है, जीवन का तीर्थ है, ये महाकुंभ है, जीवन का कुंभ है। ये कुंभ पर्व है, ये महापर्व है, ये कुंभ पर्व है, ये महापर्व है। कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित। जीवन को जीने का ये विज्ञान है, परम तत्व से मिलने का ये ज्ञान है। पाप पुण्य सुख दुख का यहाँ नाम है, आनंदित रहते सदा मन प्राण है। ये सलिल कुंभ है, नदियों का कुंभ है, ये अमृत कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये सजल कुंभ है, नदियों का कुंभ है, ये अमृत कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महापर्व है, ये महाकुंभ है। कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित, कुंभम कुंभ समाहित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति।